शहर खास में दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। एसओजी, जिला पुलिस और दीगर हिफाजती अमले जगह जगह तलाशी कर रहे हैं। नौशहरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रोड शो। अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी हल्का इंतखाबात से पार्टी के उम्मीदवार जफर मनास ने किया अवाम को खत्म। जी मनाज साहब, आज आपका यहाँ पर रोड शो हो रहा है, किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और भाजपा के समर्थन के बाद क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि आज हमारा रोड शो की पहली शुरुआत हुई है, तो हम यहाँ नौशहरा में दोबारा आने का प्रोग्राम है, तो उस रोज हम पूरा दिन यहाँ रोड शो करेंगे। आज हमें असल में रजौरी में प्रोग्राम करना था, तो उस सिलसिले में गाड़ियाँ आगे इंतजार कर रही हैं, तो आज हमारा पहला शो है। तो जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि अब की बार हमारी जीत होगी। मैंने बार बार ये बात कही है कि लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आए हैं मैदान में, साबिक वजीर आला हैं, एनसी की बड़ी गई है वो है, तो मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, ऊपर वाले की मदद चाहिए तो अल्लाह का, भगवान का मतलब साथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैं ये कहता हूँ कि एनसी और पीडीपी के बीच सख्त मुकाबला है नंबर टू क्वेश्चन पे, हमें इस बारे में। बाकी जहाँ तक आपने भाजपा के समर्थन की बात की, मैंने उसका वेलकम किया है पहले भी, अगर हमें कोई भी सपोर्ट करेगा हम उसका वेलकम करते हैं। जुल्फिकार साहब, कैसा लगा? आप तो बहुत बार नौशहरा आ चुके हैं और एक जानी मानी शख्सियत है आप पीर पंजाल की, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, हमारे लिए इस फखर की बात है कि खिता है पीर पंजाल से कोई आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। मनाज साहब, जफर इकबाल मनाज साहब जो है वो इसी खिता के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, और हमने शुरू दिन से यही कहा था कि जब से यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ है, हमारे रजौरी पुंछ खिता के साथ नाइंसाफियाँ होती रही हैं, जो भी जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट बन के आते रहे हमारे एरिया को इग्नोर करते रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस था कि अब ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है और इसी इलाके से एक आदमी को मैंडेट दिया जाए किसी भी पॉलिटिकल। डिविजनल कमिश्नर ने परनोट रामबन का दौरा किया, कहा मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है, बास आबादकारी के लिए प्लान बनाया जा रहा है। हिल एरिया है जहाँ पर कि पानी और सीपेज से जो है उस पर रहा है, अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जिससे कि एक मास मूव करने लग गया, उसकी वजह से आगे बढ़ा। गवर्नमेंट में रूल्स हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी
कैजुअल्टी के हुए बिना सबको शिफ्ट किया जो उनको किया, उसके बाद में इमीडिएट रहता है कि रिहेबिलिटेट करना, रिलीफ कैंप लगाया गया, लोगों को वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई, मेडिकल व्यवस्था की गई, उसके बाद में इन्होंने इसको स्टडी करवाया गया तो वहाँ जाने की किसी तरीके की नौबत नहीं थी, नहीं जाने दिया गया। उसके पश्चात जो एक्सग्रेशिया रिलीफ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो SDRF रूल में आ रहा है, बाकी इसके अंदर पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि इन लोगों को किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके दूसरी चीज़ों के लिए जितनी इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको पूर्ति की जाएगी, जो भी गवर्नमेंट आगे आगे करेगी गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा इनके लिए करेगी। अल्ताफ बुखारी ने शहर खास श्रीनगर में पार्टी कारकुनान को खताब किया, मीर वाइज के बयान का खैर मकदम किया। मुखातिब गान खर फ्र मुकाम मोन सी वन वन दिखो नेशनल कॉन्फ्रेंस सार दीजो अस तार मे दें यह करेक्ट ना तुम करो शुरू जोदह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खराब बात कर सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस मगर अफसोस सू पार्टी ती हूस खानदानी राज यह पार्टी ती द्राय खानदानी राज अत गई नर्का कह दस अगर सर ब्या द्रा सवा सर मे पता कम लूक आाना मगर ये शहर मैं अमरा कदल रिप्रजेंट अमरा कदल शहर दिल तुम तुम लोग खदमत कर्न कर मे चुन बसा पत्म पांचहटन वर्न आज खदमत कर्म अर कोशिश अच्छ यह घर चाह नेशनल घर यह घर चाह PDP घर यह घर चाह BJP घर यह कांग्रेस घर अच्छा सान शहर घर यह सान लूकन घर सारे खदमत गार वोट पे कस कत जमात सत्य मगर ये बनान सारे बनान ती सारे हेच वो लकट कत शहर पान वजी अला शहर की शेर कश्मीर सद वक्त पड़न मज आए और योर कुनवंजा करोड़ रुपये टोटल शहर प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लान टोटल कुनवंजा करोड़ रुपये अगर अल्लाह ताला से फजल सी तो दुम इज्जत दुमुत बह बन फाइनेंस मिनिस्टर टोटल हतस दोस MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस से चू गवाह अली मोहम्मद सागर सर मुबारक गुल सर तो शमीमा फिरदोस जी मे भूल बच्चे कलम पंचा करोड़ रुपये कुनवंजा करोड़ रुपये कर्म नमनमत करोड़ रुपये अमन पृछो तुम हुए वाचान पांच करोड़ के मे अो शन अमन चलाया इन वजी अल मगर क्या चलाया अमन गर्ज शहर चंदस मज मे पता मे मासूम ओसमुत सर बहुत रोजन वो लाल चौको मे मासूम हमसाय मे पता गर मोर ओर अल बसान कमर अथ मज ना बुढ़ बप मोल मोल तो बसान लड़क त बसान तम स खानदार बसान बाकी त्रे लड़क इन खानदर इन खानदर कर क्या बसान कट इम से रचान जिस बम चुना यम शहर हकीकत अगर बह मसि मच कत वे डाउन टाउन यह शहर खास वनान इस दिल की धड़कन हम ये दिल की धड़कन ये तमदन तो तहजीब हूं सोन हुनर सोर ये मगर अफसोस तमो हुकुमरान दम ग पत् पत् गम ग्रो पकन कह कपवाड़ा में दो मंशात फरोशों को बेल पर छोड़ा गया। ASP कपवाड़ा ने दी तफसीली जानकारी, कहा दोनों अफराद के बाजू पर GPS लगाया गया है ताकि उनके बारे में पूरी जानकारी रखी जा सके। एक का नाम है आबिद अली भट्ट सनफ अली मोहम्मद भट्ट और वो बुहीपुरा कुपवाड़ा, और जो दूसरा पर्सन इसका नाम है अब्दुल मजीद भट्ट सनफ अली मोहम्मद भट्ट और वो कुनन पोशपुरा है। ये दोनों पर्सन जो है ये केस FIR नंबर 283
2022 का केस है जो कि पीएस कुपवारा में रजिस्टर हुआ था। इन दोनों पर्सन की अब मॉनिटरिंग जो है वो हम थ्रू जीपीएस बेस्ड जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू करेंगे। दोनों पर्सन जो है बेल आउट हुए हैं और जहां जहां पे भी जाएंगे इनकी हम कंटिन्यूसली सर्वेलेंस रखेंगे। एक हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें हम एक्यूज्ड पर्सन को एक एंकलेट पहनाते हैं, उस एंकलेट के थ्रू जहां पे भी जाएंगे हम उनकी सर्वेलेंस रख रहे हैं कि अगर तो जहां पे भी जाएंगे हम उनकी सर्वेलेंस रख रहे हैं और अगर ये हमें लगेगा कि इनकी मॉनिटरिंग में हमें ये लगेगा कि इनकी जो एक्टिविटी है वो सस्पिशियस है तो उस वक्त हम इनकी सस्पिशियस है जिसमें ये इन्वॉल्व फिर से किसी ड्रग ट्रेड में हुए हैं ताकि वो हम उसमें उस वक्त मौका रखते ही कार्रवाई स्टार्ट करें। हमने पहली बार यहाँ पे आज स्टार्ट किया है और जो हमारे एक्यूज्ड पर्सन्स हैं जो भी एनजीपीएस केसेस में हैं आगे आने वाले वक्त में हम उनके अगेंस्ट भी यही कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। इससे एक बड़ा हमें लीड मिलेगा इनकी मॉनिटरिंग करने में, सर्वेलेंस रखने में, और अगर ये फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनको वक्त रहते ही फिर से दर लेने के लिए। तो कुपवारा पुलिस का यही मॉडल है कि जो भी लोग ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, चाहे पेडलर्स हो, स्मगलर्स हो या ट्रैफिक में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाएंगे, चाहे जीपीएस ट्रैकिंग की बात हो या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने इलीगल तरीके से बनाई है उसको अटैच करने की बात हो या उनके अकाउंट जो है उनको फ्रीज करने की बात हो, ये सब कार्रवाई उनके खिलाफ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है। लोक जनशक्ति के संजय सराफ ने की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी जमात एनसी और पीडीपी की हिमायत नहीं करेगी। और स्टेट बॉडी भी थी एक्सक्लूडिंग जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, सरपंचेस, पंचेस हैं और बीडीसी चेयरमैन हैं जिनके साथ हम कल बैठेंगे। हम उन सब के साथ बैठ के आज हम लोग इसका निचोड़ निकाल रहे हैं कि हम लोग तो एनडीए अलायंस है दिल्ली में, एनडीए का यहाँ कोई डायरेक्ट कैंडिडेट है नहीं, तो अब हमने सोचा कि हम लोग अपने सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटों के साथ खुलकर बात करके उनसे मशवरा ले लेते हैं कि हमें किसको सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊपर से लीडरशिप ने बोला कि आप उसको करो, आप इसको करो, तो मॉर्निंग में 11:30-12 बजे से हमारी ये मीटिंग चल रही है। इसको आज हमने फिर प्रेस वार्ता के माध्यम से कवर अप करना था जिसमें हमारे सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स सब लोग साथ में हैं, पार्टी के साथ में जो पिछले 20-20 साल से हमारे लोग हैं या कुछ नए साथी भी आए हैं, महमूद यूसुफ साहब भी है इसमें, हमारी यहाँ पर मिठा जी है, परवीना जी है, ये फारूक साहब है, अपने गुलाम नबी साहब है, डॉक्टर साहब है जो हमारे गुलाम हसन साहब थे, यहाँ पर याकूब साहब थे, सब लोग जो हमारा पूरा टीम है या डिस्ट्रिक्टों से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आए थे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के थे, पुलवामा शुपियन डिस्ट्रिक्ट से, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से, सब लोग, सभी साथियों ने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया है, एक जॉइंट मूवमेंट निकला है सब लोगों की तरफ से कि दो पार्टियों को छोड़कर हम लोग इस पर फाइनलाइज करें। जो मेजर यहाँ की लोकल दो पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पर्टिकुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी वजह से कश्मीर में कत्लगारत हो चुका है, जिनकी वजह से कश्मीर में गन कल्चर आया है, जिनकी वजह से कश्मीर के बच्चे को आज भी 32 साल के बाद भी एक अलग नाम से देखा जाता है कि अगर पूरे देश में वो बाहर में चलता है कहीं पर, अगर अनफॉर्चुनेटली 19-20 कहीं पर भी हो जाए तो अगर वहाँ पता लगे कि कश्मीर का बच्चा है तो बोलते पहले उसको उठाओ, शायद उसने कुछ किया होगा। वो सब नाम हमारे को डॉक्टर फारूक साहब की मेहरबानी है। पीडीपी के उम्मीदवार वहीद परे ने इंतखाबी के दौरान खिताब किया, कहा यह इलेक्शन हुकूमत बनाने का नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज पहुंचाने के लिए है। एन सी एस पी डी पी बी जे पी कांग्रेस मगर प्रेस पे जवान पे बच्चे सब यह लट वोट हुकूमत बनाने मूजूब कह गक लट वोट एम एल ए एम डी बनाने मूजूब कह सी खदश खबर हे पगह क्या गए
کہ زٰ ساس دہس من نبر وہ جوان نیران شام گارنٹی واپس یہ پتہ دپان نبر نفر أندر كن وچن تار پلو لاگنس اس كھوچان بت چلنس اس كوشر كھوچان مكان بناس اس كھوچان گاڑی من كھسنس اس كھوچان دپان اس خبر ہے اور مے یہ فون پتہ دپان یہ پونس كٹن یا نیچو پلو لاگان صاف نی كی مس تھونس اس كھوچان كنگو والنس اس كوشر كھا پتہ گئی زٰ ساس دہس من یمے علاقن كر چین جموں كشمیر من مفتی صوبہ كر سات ٹریک ڈاؤن دہس اس کے من خلاف کہ یہ سوچے یا تم خلاف مجھے دس ہوں یہ بہت کہ سوچ جوان مگر گھر یہ ووک گنریشن گئی اس گول بس اک جنریشن گئی قبر بس اک جنریشن گئی قبر بس اک جنریشن چون وقت مس اخ نو پڑھا لکھا جوان سون ڈپریشنس مس سوری پریشان کوئی دوران ون حکومت ہے گاشرائے من مکان ولسا ترا یل پریت کس گھرس مز پریشانی پتہ دپان پنس مکانس مز ژمے پراپرٹی ٹیکس پنہ کل من کانہ پھل دن تلن پنس دریاب من سیک پھل دن تلن نوکرین أنک ترے کمپنی نبر ترنوے کر سکیم اتھے کن کر نبرم نفرن دن ڈیمو سائل کشرس من بنانے خدا رچن آسو پنہ گھرن من پھچ پکا اس لیے میں زیادہ تقریر کروں کی یہ ہمسائے گام پن گام ماتامال گام باوج بالکل تم حساب کہ تھی مول مول تہو یہ الیکشن پانس لڑن یل تھی ساتھ دیو مدد کرو تیلے ہکو نتان نتن گھرن من اتھ باسان انسانس اگر پنہ آم کر ہیلپ تم گھن دہن گام تہد مدد ضرورت یت گامس مز ہمسائے گام رشتہ دار دوس یہ تہ کھانا شاید تہ ہیلپ